नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत। मैं हूं ज्योत्सना प्रियदर्शनी। खबरों की शुरुआत करते हैं। एक कोरोना मरीज का सैंपल भेजा गया है भुवनेश्वर। रांची जिला स्वास्थ्य विभाग ने रिम्स की ओर से सैंपल भेजा है। निजी अस्पताल में भर्ती है कोरोना संक्रमित। ILBS लैब्स के जीनोम सिक्वेंसर से होगी वेरिएंट की पहचान। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट आने का इंतजार है। रिपोर्ट से पता चलेगा कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन है या कोई दूसरा वेरिएंट है। तो कोरोना जांच के लिए सैंपल भेजा गया है। देश में तीन नए केस मिले हैं ओमिक्रॉन के इस भारत में, और उसको लेकर के प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पे है। तो हर स्टेट जो है उसको लेकर के गाइडलाइन जारी किया है। और सत्यव्रत हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। सत्यव्रत, जिला स्वास्थ्य विभाग का रिम्स की ओर से सैंपल भेजा गया है। निजी अस्पताल में भर्ती है कोरोना संक्रमित। तो रिपोर्ट से पता चल पाएगा कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन है या नहीं है। हमारे सहयोगी के साथ हमारा संपर्क नहीं हो पाया है। मेरी आवाज अब तक पहुंच रही है सत्यव्रत? बिल्कुल आवाज। सत्यव्रत, जिला स्वास्थ्य विभाग ने रिम्स की ओर से सैंपल भेजा है कोरोना के मद्देनजर। ये सैंपल भेजा गया है कोरोना संक्रमित जो है वो निजी अस्पताल में भर्ती है। क्या है इस बाबत आपके पास जानकारी? देखिए, जैसे ही देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की जो दस्तक हुई है उसके बाद से सभी राज्य को अलर्ट कर दिया गया है। और बड़ी खबर है कि अभी से कुछ घंटे पहले जो है वो कोरोना का एक सैंपल है, एक व्यक्ति है जो कि कोरोना के संक्रमित है और किसी निजी अस्पताल में भर्ती है, उनमें संक्रमण ज्यादा है और कुछ गंभीर लक्षण को देखते हुए फिलहाल उस व्यक्ति का कोरोना पॉजिटिव जो मरीज है उसका सैंपल ILBS जो है भुवनेश्वर भेजा गया है ताकि वेरिएंट का पता लगाया जा सके। देखिए, पूरे राज्य को अलर्ट कर दिया गया है। हो सकता है कि कोरोना का जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन वो किसी भी राज्य में दस्तक दे सकता है। वैसे में जो गंभीर रूप से कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं जिनमें मसल पेन संबंधित कुछ लक्षण दिख रहे हैं, वैसे लोगों का जो सैंपल है वो सिक्वेंसर जांच के लिए भुवनेश्वर भेजा जा रहा है। रांची जिला सदर अस्पताल के तहत रांची स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एक व्यक्ति का जो सैंपल है वो रिम्स के द्वारा जो है फिलहाल भुवनेश्वर भेज दिया गया है। और अब स्वास्थ्य विभाग को इंतजार है कि जल्द से जल्द कोरोना संक्रमित उस व्यक्ति का सैंपल रिपोर्ट आए ताकि यह पता चल सके कि जो व्यक्ति है वो कहीं ओमिक्रॉन से ग्रसित तो नहीं है या फिर डेल्टा की तरह कोई दूसरा वेरिएंट है। तो फिलहाल इन सभी चीजों को पता लगाने के लिए लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।